ठेला व्यवसायियों पर निगम की कार्यवाही में सरकारी अमले की बात पीटने के बाद इसमें बचाव के लिए कलेक्टर मनीष सिंह आए और उन्होंने कहा कि ठेला व्यापार करने वाले लोगों के साथ शहरवासियों की सहानुभूति है, उन्हें दिक्कत नहीं आना चाहिए। इंदौर नगर निगम के द्वारा पिछले 1.5-2 सप्ताह से सड़क पर ठेलों को लेकर विरोधाभास की स्थिति बन रही थी। कहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता ठेलों पर व्यवसाय करने वालों के साथ निगम कर्मियों की अभद्रता और ई चालान को लगातार विरोध कर रहे थे। इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि गरीब वर्ग के साथ सहानुभूति होना चाहिए। देखिए, वो सब हम लोग नॉलेज में है। कल जो अंडे वाले ठेले का इतना ज्यादा सोशल मीडिया पे चलाया गया, उस अंडे के ठेले के जो लड़का था वो गरीब था, उसके प्रति संवेदनाएं बिल्कुल सही थी उसमें और उसका मदद भी करनी चाहिए, बिल्कुल सही है ये। पर ये भी सही है कि जो एक और वीडियो था उसका, उसमें उसने स्वयं स्वीकार किया है कि वो ठेला हटाने में उसी के हाथ से ही अंडे गिरे थे ये, और ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला उसमें कि नगर निगम के कर्मचारियों ने उस ठेले पे हाथ लगाया, उस लड़के पे हाथ लगाया, ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला था। किंतु चूँकि वो गरीब है, ऐसे अन्य ठेले वाले भी गरीब हैं और इस समय कोरोना के संक्रमण से सभी बेचारे परेशान चल रहे हैं, इसलिए नगर निगम ने कल एक निर्णय लिया स्थगित करने का, जो सही निर्णय था वो, और कहीं ना कहीं समाज के सक्षम वर्ग की, जनप्रतिनिधियों की, अन्य लोगों की जिम्मेदारी होती है कि ऐसे गरीब वर्ग का हितों का संरक्षण हो। बात केवल अंडे वाले की नहीं थी, अंडे वाले की अगर बात है केवल तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि उसमें नगर निगम की किसी भी आदमी ने हाथ नहीं लगाया था, नहीं उसको गिराया गया ठेला, और उसमें एज सच नगर निगम वाले की गलती नहीं आई है जो वीडियो मैंने देखे हैं या जो अन्य जाँच कराई है हमने जो है। पर किंतु अन्य शहर में अन्य जगह भी कार्रवाई हुई थी, गरीब वर्ग था इसलिए उनके प्रति एक सहमति की लहर थी कल, और उसका सम्मान करते हुए, जनप्रतिनिधियों का बात का सम्मान करते हुए हमने स्थगित किया था।